अनंतनाग साउथ कश्मीर से खबर आ रही है, कंडीपोरा इलाका है जहां पर एक एसओजी के जवान जिनको एक्सीडेंटल फायर के अंदर जो है इंजरीज आई हैं और उनको फिलहाल अभी अस्पताल भर्ती करवाया गया है। और ये भी खबर आ रही है कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वहां के, उन्होंने ये बताया है कि ये जो इंजरीज आई हैं उनको चेस्ट पर आई हैं बुलेट इंजरी, ये एक एक्सीडेंटल फायर हुआ है साउथ कश्मीर के अंदर। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान जिनका नाम नज़ीर अहमद गनई, ये इनके साथ इस तरह का हादसा पेश आया है। एक्सीडेंटल फायर का अभी कारण नहीं पता चल पाया है। जैसे ही गोली की आवाज़ आई, नज़ीर अहमद गनई के जितने भी कुलीग हैं, जितने भी जवान थे, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने फटाफट नज़ीर अहमद गनई को जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। लेकिन अभी वहाँ से जो खबर आ रही है उसमें ये पता चल पा रहा है कि कंडीशन नज़ीर अहमद गनई की जो है क्रिटिकल है और फिलहाल उनका जो उनके इलाज उनका चल रहा है वहाँ पर। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल मजीद मेहराब ने ये बताया है कि फिलहाल उनका उनको जो है चेस्ट के ऊपर जो है बुलेट इंजरी आई है और अभी फ़िलहाल बाकी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है कि आखिरकार ये एक्सीडेंटल फायर किस तरह से हुआ, क्या कारण थे इस एक्सीडेंटल फायर के। लेकिन साउथ कश्मीर, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान नज़ीर अहमद गनई, उनके साथ ये पूरा हादसा पेश आया है जिसके अंदर वो एसओजी कैंप काडीपोरा इलाके में थे जहां पर ये एक्सीडेंटल फायर हुआ और उसी बीच में उनको जो है गंभीर चोटें आई हैं। और इसके अंदर जो गंभीर चोटें हैं ये जो बुलेट है उनके चेस्ट पे जाके लगी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल अवस्था में उनको जो है 92 बेस हॉस्पिटल बदामी बाग श्रीनगर में उनको दाखिल करवाया गया है। और वहाँ से मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से जो मेडिकल रिपोर्ट अभी तक आई है, उस मेडिकल रिपोर्ट में उनकी घायल अवस्था में ये बताया जा रहा है कि क्रिटिकल इंजरीज आई हैं और क्रिटिकल इंजरीज में उनके चेस्ट में इंजरीज आई हैं। फिलहाल अभी जो पूरी तरह से मेडिकल रिपोर्ट में ये नहीं पता चल पाया कि आखिरकार क्या कारण रहे, और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है जो कि एसओजी कैंप के अंदर ये जो पूरा फायर का हादसा पेश आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान नज़ीर अहमद गनई जिनके साथ ये हादसा पेश आया है और एक्सीडेंटल फायर अभी तक जो पता चल रहा है, अब फिलहाल बाकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आखिरकार ये एक्सीडेंटल फायर था या क्या कारण थे। लेकिन ये खबर साउथ कश्मीर अनंतनाग खाड़ीपुरा इलाके से आ रही है। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, हम लोग आपको इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। आशीष कोहली के नाम है अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए, और हम चाहेंगे कि नज़ीर अहमद गनई जल्द से जल्द रिकवर करें और वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। जय हिंद।